व्हाट्स अप गाइस, वेलकम टू अंदर गेम प्ले वीडियो। आज हम फिर से आ चुके हैं पबजी लाइट की एक और धमाकेदार वीडियो लेके। तो आज हम फिर से खेलने वाले हैं पबजी लाइट। तो मैं वैसे तो मेरे को पबजी लाइट खेले हुए एक महीना हो चुका है, तो अब पबजी लाइट मैं आज इसलिए खेल रहा हूँ, आज कोई चैलेंज वगैरह नहीं करूँगा, सिर्फ रैंडम खेलूँगा ये देखने के लिए कि जब पबजी लाइट में एक महीना हो चुका है और जब सामने बंदे आते हैं तो मेरी फटती है या नहीं फटती। अब वो तो गेम प्ले के अंदर ही पता चलेगा कि बंदे आते हैं तो फटती है, मैं फाड़ता हूँ। तो चलो, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट। तो वैसे अब काफ़ी लोग सोच रहे होंगे कि इतने दिन भाई कहाँ पे थे। तो भाई मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं एक महीने से कुछ काम हो गया था तो मैं बाहर चला गया था, तो इसलिए मैं एक महीने वीडियो नहीं बना पाया, लेकिन अब आपको रेगुलर वीडियो मिलेंगी। तो चलिए अब जल्दी से उतरते हैं। तो अब जल्दी से उतरते हैं थर्ड हिल, फिर देखते हैं किसकी फटती है। तो अब मैं यहाँ पे थर्ड हिल पे उतरता हूँ, और जैसे ही मैं यहाँ पे उतरता हूँ तो अब यहाँ पे देखना, उतरा नहीं मैं, कूदा नहीं, उससे पहले ही फायरिंग की आवाज़ आने लग गई। तो मैं जल्दी से अब इस घर के अंदर चलते हैं और फिर गन वगैरह उठाते हैं और फिर देखते हैं आगे गेम प्ले। तो अब यहाँ पे अंदर आते ही मेरे को बैंडेज मिलती है और यहाँ पे उजी पुजी और एक शॉट गन मिल जाती है। तो भाई वो जो पहले बंदा फायरिंग कर रहा है अब भी फायरिंग कर रहा है, वो भी शॉट गन ही चला रहे हैं। तो अब देखते हैं आगे क्या होता है। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं, पहले थोड़ा बहुत लूट लेते हैं और फिर चलेंगे उस बंदे को मारने। अब भाई मैं लूट करते कुरते ऊपर तो आ जाता हूँ, लेकिन अब मेरे को सामने वाली बालकनी में मरिंडा दिख जाती है। तो सॉरी, मरिंडा नहीं, पेप्सी। तो मैं पेप्सी लेने के लिए अगले वाले घर में कूदता हूँ और अगले वाले घर में ही फाइटिंग हो रही है। फिर सामने मेरे को बंदा दिख जाता है और वो मेरे टीममेट को नॉक भी कर देता है। तो भाई अब मैं निकालता हूँ और अपनी शॉटगन और अब इसको शॉट देने की कोशिश करता हूँ, लेकिन ये एम में आ ही नहीं रहा था और फाइनली ये एम में आ गया और एक शॉट में ही नॉक हो गया। अब मैं इसको दूसरा भी छोड़ देता हूँ, लेकिन पीछे से इसको कोई और फायरिंग दे रहा होता है और मेरा किल चुरा लेता है यहाँ पे। और तभी मेरा टीममेट अंदर की तरफ आता है, तो अब वो जो यहाँ पे नॉक हो गया था अब उसको रिवाइव भी करना है। तो अब मैं यहाँ पे अंदर आके यहाँ पे बैठ के इसको जल्दी से रिवाइव देता हूँ। और अब जैसे मैं यहाँ पे रिवाइव देता हूँ और अब अगले बंदे की बारी है, तो चलो अब इसको रिवाइव दे के चलते हैं अगले बंदे के लिए। तो गाइस, जब मैं यहाँ पे थर्ड हिल से बाहर निकलने की कोशिश करता हूँ और तभी मेरे को यहाँ पे एक भाई आता है जो पेड़ के ऊपर डांस करता हुआ नज़र आता है। तो मैं तभी इसको यहाँ पे नॉक करता हूँ और यहाँ पे जल्दी से इसको अंदर चल के फिनिश करता हूँ। पता नहीं पेड़ पे उछल के क्या ही करने लग रहा था। पता है यहाँ पे इतनी ज़ोर की फाइटिंग चल रही है, इतने बंदे लड़ रहे हैं और फिर भी यहाँ पे पेड़ पे उछलने लग रहा है। पर इसके पास मेरे को स्कारल मिल जाती है, तो मैं अपनी यहाँ पे शॉटगन गिरा देता हूँ, स्कारल उठा लेता हूँ। पहले तो मैं यहाँ पे अपनी पिप्पी गिरा देता हूँ और स्कार ले लेता हूँ और शॉटगन रखता हूँ। तो फिर लेकिन फिर मैं सोचता हूँ कि शॉटगन तो इतनी काम नहीं आती, दूर से मारते बंदे। तो यहाँ पे मैं फिर अपनी पिप्पी वापस उठा लेता हूँ और अब अपनी पिप्पी उठा के जल्दी से करते हैं नदी पार और चलते हैं आगे की तरफ। नाम क्या तेरा? नाम क्या तेरा? Yeah.
अभी हम नदी पार करके इस वाले घर में आ जाते हैं, और यहाँ पे अब जैसे ही इस वाले घर में आते हैं तो पीछे से जोन आ रहा होता है। तो अब यहाँ पे नदी में दो बंदे आ रहे होते हैं, दो नहीं तीन आ रहे होते हैं। तो एक को तो मेरा टीममेट नॉक कर देता है, फिनिश कर देता है, तो दो को यहाँ पे मैं फिनिश करता हूँ। तो अब एक बंदा है इसको, और जल्दी से अब इसको डैमेज देके फिनिश करते हैं। अब एक वो पीछे आ रहा, उसको फिनिश करते हैं। तो इन दोनों को तो कर दिया हमने फिनिश, और कर अब वो पीछे से हमारा चार नंबर टीममेट और आ रहा है। और अब ये देखो यार, ये जो तीन नंबर है ना, इसको लूटने की बहुत बड़ी होती है। अब ये देखो नदी के अंदर चला जाए उनकी पेटी लूटने के लिए, और इसके पास 4x 6x सब कुछ है, लेकिन नहीं फिर भी उनकी पेटी लूटेगा। पता नहीं यार इसको क्या होता है, ये हर मैच में ऐसे करता है। बंदे मारने पे कम ध्यान देता है और लूटने पे ज़्यादा ध्यान देता है। तो चलो अब आगे चलते हैं, और पहले इधर देखते कोई बंदे वगैरह तो नहीं है। तो अब मेरे को यहाँ पे सब कुछ क्लियर लगता है, तो अब मैं अब यहाँ से आगे जाने की कोशिश करता हूँ। लेकिन तभी यहाँ पे नीचे मेरे टीममेट तो वापस आ जाते हैं, लेकिन अब यहाँ पे रेड जोन आ जाता है। तो मैं यहाँ पे कूदता हूँ तो हूँ, यहाँ से घर से बाहर तो निकलता हूँ, लेकिन तभी बम्बार्डिंग होने लग जाती है। अब वो जैसे ही बम्बार्डिंग हो तो मैं सोचता हूँ यार मरना नहीं है, काफ़ी दिनों बाद मैच खेल रहे हैं तो इतनी वो नहीं अब कि बच जाएंगे इन बम्बार्डिंग से, ये मार देंगे, ये गिरते ही फिनिश हो जाएंगे। तो अब यहाँ पे हरी गोलियाँ मिल जाती हैं, हरी गोलियाँ उठाता हूँ और फिर यहाँ पे गेट पे खड़ा होकर थोड़ी देर वेट करता हूँ। अब जैसे ही यहाँ पे रेड जोन हटेगा, यहाँ से निकल के अगले वाले घर में चले जाएंगे। तो रेड जोन हट गया, अब चलते हैं अगले वाले घर में। अब सामने की तरफ फायरिंग भी हो रही है स्कूल की तरफ, तो आगे चलते हैं और फिर देखते हैं। और अब मैं किस तरह घर की तरफ आ ही रहा था कि पीछे से मेरा टीममेट है वो फायरिंग कर रहा है किसी के ऊपर। अब वो मेरे को समझ में नहीं आ रहा कहाँ पे फायरिंग कर रहा है, या वो बकवास ऐसे ही कर रहा है बुलाने के लिए पीछे। तो अब मेरे को यहाँ पे तो कोई दिखता नहीं, लेकिन वो फिर भी फायरिंग करे जा रहा है, पता नहीं किस पे कर रहा है। तो अब अपन चलते हैं छात के ऊपर और फिर देखते हैं। तो अब यहाँ पे तो कुछ है नहीं ऐसा लूट के लिए, तो अब जल्दी से ऊपर चलते हैं और फिर देखते हैं स्कूल की तरफ जो फायरिंग हो रही थी उसको करते हैं, निपटाते हैं। अब यहाँ पे मैं आगे की तरफ चल के नीचे झुक के चल के देखता हूँ, यहाँ पे मेरे को लेवल 3 की वेस्ट मिल जाती है। तो अब सामने कार दिखती है मेरे को, अब इतना तो पता चल गया वहाँ पे बंदा है, लेकिन कोई अच्छा स्कोप नहीं था तो इसलिए मैं ज़्यादा रिस्क नहीं लेता हूँ, और वहाँ पे कार के पास कोई दिख भी नहीं रहा था। तो अभी फ़िलहाल मैं रिस्क नहीं ले रहा था, तो मैं देख रहा था वो बंदा कब बाहर निकलेगा, और उधर की साइड एक ड्रॉप भी आता है तो बंदा निकलेगा ज़रूर वहाँ से। तो अब मैं यहाँ पे बैठ के देख रहा होता हूँ चारों तरफ कि कोई और बंदा, लेकिन कोई बंदा दिखते नहीं है यार, सारे के सारे कैम करने के लिए लग रहे थे। तो अब ये चार नंबर तो फिर से भाग गया, अब ये आगे जाके मारा जाएगा, देखना कितनी बुरी तरह मरे गए। और सामने को मेरे बंदे दिख जाते हैं, तो मैं उनको जल्दी से अब यहाँ पे फिनिश करता हूँ। लेकिन उनके पास शायद स्कोप था, इसलिए उन्होंने मेरे को देख लिया और अच्छे से 2-4 शॉट जड़ दी मेरे, बिल्कुल 3 या 4 HP छोड़ी मेरी। तो अब जल्दी से यहाँ पे अपनी हेल्थ रिकवर करते हैं और फिर उनको बताते हैं अपना। अब जैसे मैं उस घर की छत से उतरता हूँ, तो यहाँ पे मेरे को दोनों तरफ से फायरिंग होने लग जाती है। पता नहीं कौन कहाँ से मार रहा था यार, यहाँ पे मैं अपने आराम से जूस पीने लग रहा और मेरे ऊपर यहाँ पे फायरिंग होने लग रही, मेरे को डैमेज लगने लग रहा। तो अब भाई यहाँ पे एक बार मेरी फट तो गई थी कि भाई यार पता नहीं कहाँ से मार रहा है, कौन मार रहा है। इधर चार नंबर ने एक बंदे को तो सुलटा दिया था, लेकिन फिर भी यहाँ पे एक बंदा और मेरे ऊपर फायरिंग किए जा रहा, पता नहीं यार कहाँ पे था। लेकिन वो जोन के बाहर से मार रहा था तो वो मेरे को इतना नज़र नहीं आया, लेकिन फाइनली वो मेरे को दिख जाता है और अब मैं उसकी पेटी बना देता हूँ। अब इसकी तो बना दी पेटी, अब अपनी ना बने इसलिए अपनी थोड़ी हेल्थ वगैरह करते हैं और आगे की तरफ चलते हैं। अब मैं इस तरफ तो आ गया, सामने की तरफ मेरे को फायरिंग हो रही दिखती है और तभी एक बंदा दिखता है मेरे को जोन के बाहर। तभी अब मैं यहाँ पे कवर वगैरह तो है नहीं, तो मैं इस झाड़ के अंदर बैठ जाता हूँ, गलत मत समझ लेना अरे। तो अब मैं यहाँ पे बैठ जाता हूँ, लेकिन ये मेरे को ओपन ग्राउंड में सबसे अच्छी जगह लगती है सबसे छुपने के लिए। इसमें कोई सोचता भी नहीं इसके अंदर कोई बंदा भी बैठा होगा या नहीं, और तभी वो बंदा मेरे को दिख ही जाता है। और मैं अब उसको ये वही है कार वाला जो कार के पास खड़ा था और जिसने मेरे को डैमेज दिया था। तो भैया देखा बंदे में दम तो है, ये इधर उधर घूम के डैमेज थोड़ा बहुत ले रहा है और बचे जा रहा है, लेकिन इतनी है इसकी 1 HP बची होगी आखिर तक पहुँचते हुए। लेकिन वो आगे जाके उस पेड़ का कर ले, देख रहे हो कैसे सांप की तरह घूमने लग रहा है। तो अब यहाँ पे ये तो ले लेता है इस पेड़ का कर,
लेकिन तभी इसका एक भाई आता है पीछे से जो इस वॉल का कवर लेने की कोशिश करता है, लेकिन इसको तो मैं बिल्कुल ही फिनिश कर देता हूँ। तो अब ये तो यहाँ पे फिनिश हो गया, लेकिन अब तभी देखना मैं उस पेड़ के पीछे कवर ले रहे बंदे को देखने की कोशिश करता हूँ, और अब देखना यहाँ से मेरे आगे से गाड़ी निकलेगी कितनी पास से निकाल के ले गया। तो लेकिन अब भाई इनकी पूरी स्क्वाड थी, मैं अकेला बचा था, तो अब ये लोग मेरे को यहाँ पे फिनिश कर देंगे तो यहाँ पे मेरा गेम प्ले ख़त्म हो जाएगा। तो अब भैया इन्होंने मेरे को देख भी लिया। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। और अगर इतना तो है कि एक महीने के बाद भी मैं खेल सकता हूँ अच्छे से। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय टाटा। और अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।